मुश्किल नहीं है, 7 लोग हैं, बाजवा फैज और 5 साकिब निसार एंड कंपनी, इनको सजा दे दो मुल्क सुधर जाएगा। आपने किस किस के नहीं काटे, पीरों के घर के पीर नहीं लेके आ गए, काला बाग वालों के घर तुम बची हुई पीते थे उनके साथ क्या किया, अभी निकला या नहीं स्कैन? अगर इमरान को सियासत से निकालेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मरियम नवाज शरीफ जो आ रही है वो नजरिया नवाज शरीफ को आगे चलाने के लिए आ रही है। पाशा आए, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के नीचे एक साजिश, जिस मीनारे पाकिस्तान के नीचे नवाज शरीफ दुश्मन मुल्क भारत के वजीर आजम को बुलाकर पाकिस्तान से सालमियत की भीख मंगवाई, उसी मीनारे पाकिस्तान के नीचे जनरल पाशा ने इमरान खान को खड़ा किया ताकि तुम मुस्तकबल में इस पाकिस्तान को कमजोर करो। आज मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रही है, उनको नहीं पता कि हम उनको क्या सरप्राइज दे रहे, वो तो एयरपोर्ट पे आएंगी तो हम रोक लेंगे कि आज ऐलान करो कि जिन लोगों की वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा है उन पे एक कौमी कमीशन बनना चाहिए और पार्लियामेंट में उसको बहस होना चाहिए। ये क्या बात हुई माय लॉर्डशिप, आप एक फैसला देके घर बैठ जाए और उसके बाद हमारे बच्चों को आटा ना मिले, साकिब निसार जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी। आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत से खेलने वालों को हम सुकून से नहीं बैठने देंगे। इमरान खान ने इस मुल्क को श्रीलंका बनाया और ये तो शुक्र है अल्लाह के एक दूर की सोच वालों ने कहा कि जाती है सियासत जाए, एक दफा इस मुल्क को बचा ले, रोक लिए उस पाकिस्तान को और मजीद डूबने से।